तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। मेरा खबर ऐसा नहीं चलता है। तो मैंने 2025 स्टूडेंट, मेरा नाम रोशन। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आया है, उसके लिए सॉरी। चला गया था, कुछ काम था और नानी का भी डेथ हो गया, तो उसको भी थोड़ा कम उम्र में लिखना पड़ा और घर पे मैं 7-8 दिन रह गया, तो ब्लॉग भी नहीं आया और ना ही मेरा पढ़ाई हुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग आज के साथ सुनता हूँ, तो प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिएगा। 10 वाला एक्सेल लिया और आधा बाल्टी पानी में देकर और इसको अच्छे से मिला दिया। क्योंकि इतना सारा कपड़ा मेरे लिए बैकलॉग की तरह है, एक टास्क की तरह, तो सोचा क्यों ना मैं आज सारा कपड़ा धो के मैं अपना टास्क पूरा कर लूं। क्योंकि कम से कम 20 कपड़े होंगे तो उसको धो लेता हूँ अच्छे से। और ये कुछ सामान रहा जिसे मैंने घर से लाया था, मम्मी ने दे दिया। तो इसमें है 2 किलो आटा है, एक पन्नी में बंधी हुई, और 2 किलो चावल है, ताकि फिर बाद में मतलब घर ना जाना पड़े और मंगाना ना पड़े। और थोड़ा वो चावल यहाँ पर था भी रूम पे, तो ये चावल और ये आटा है। तो इसको मैं चावल आटा रख के मैं चला आया रूम साफ़ करने, क्योंकि होता है क्या, रूम नहीं होता है साफ तो मन माइंड फ्रेश नहीं होता, क्योंकि घर गया था और घर से आने के बाद पूरा रूम पर धूल मिट्टी जम जाती है। तो पहले रूम साफ़ सफाई कर लेता हूँ और कपड़ा भी धो लूँगा। तो अभी मैं आ गया जूलॉजी का रिवीजन करने और बैकलॉग पूरा करने। मेरा बैकलॉग 7-8 क्लास हुआ है जूलॉजी में। जूलॉजी संपाति में बढ़ाती है जिसमें ब्रीथिंग गैस एंड एक्सचेंजेस चल रही है। तो मेरा कुछ टॉपिक बचा हुआ है, नोटोचोड, बॉडी प्लान और सेगमेंटेशन, तो मैं उसको अभी पूरा करता हूँ, कम से कम 2 बैकलॉग क्लास, और फिर उसके बाद सारा काम कर लूँगा। तो ये मेरा पूरा हो चुका है। और मैं चला आया ये तारकुल है, जिसे आप लोग कभी ना कभी खाए होंगे, इसका भी सीजन चल रहा है। तो मैं ये कल मार्केट से लाया था, तो इसको मैं रख दिया था, देखता हूँ खा के इसका टेस्ट कैसा है। और अपना भी पहले होता था ये गाछ में, तो अभी फिलहाल मैं खरीद के ही खाया, 10 रुपये का 3 दिया था। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसका कवर हटाने के बाद ये वाइट वाइट पानी की तरह दिखता है। तो अभी मैं मार्केट से कुछ सामान ले आया और एक बिस्किट ले लिया, और अब चलते हैं, मैं खाना बनाता हूँ। तो खाना में सब्जी मेरा हो चुका है और मैं रोटी अभी बेल रहा हूँ। सबसे मेरा आलस वाला काम तो मेरा खाना बनाना ही। सोचता हूँ काश मुझे कोई खाना बना के देता है यहाँ पे और मैं अच्छे से पढ़ाई करता। खाना बनाने में सारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है, मतलब थोड़ा थक जाते हैं और बनाने का मन नहीं करता है। एक टाइम बनाते हैं, दोनों टाइम खा लेते हैं। तो मैं अभी रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगा और उसको एक टाइम खाऊँगा सुबह में, और एक बार रात में खा लूँगा। ऐसा ही मैं चलता है, क्योंकि 2 टाइम बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पूरा पसीना से मैं नहा चुका हूँ किचन में, क्योंकि एलिवेस्टर का रूम है। तो अभी मेरा खाना बन चुका है जिसमें रोटी और सब्जी, और मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ। और मैं अभी पहले खाना खा लेता हूँ, अभी टाइम हो रही है, 11 बज रही है। तो खाना खा के फिर मैं अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी मैं जूलॉजी का 3 क्लास बैकलॉग वाला पूरा करूँगा। मेरा कुछ ज़्यादा ही बैकलॉग हो गया है घर जाने की वजह से, और मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है कि मेरा बैकलॉग कैसे पूरा होगा, क्योंकि बैकलॉग होने के बाद पढ़ने का एक रति मन नहीं करता है, और ऊपर से टेंशन बहुत होते रहता है कि बैकलॉग हो गया है फिर आगे क्लास ये हो। तो मैं अभी पूरा फोकस करूँगा बैकलॉग को पूरा करने को और लाइव लेक्चर तक पहुँचने को। तो मैं अभी जूलॉजी का 3 क्लास बैकलॉग पूरा कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मेरी क्लास होगी आज बॉटनी और केमिस्ट्री का। तो मैं ये बना लिया हूँ, इतना मुझे आज पूरा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम रोशन, मैं नीट 2025 स्टूडेंट, मैं हिंदी मीडियम से 12th किया था बिहार बोर्ड से, और मैं इंग्लिश में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा 2 साल मेरा बर्बाद हो चुका है, और मैं अभी तीसरे साल में मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं 2021 में 12th किया था, तो मैं इंग्लिश में अर्जुना नीट 2025 वाला बैच लिया हूँ, और अभी एक अर्जुना 2.0 भी बैच लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं जो अर्जुना नीट 1.0 लिए हैं बैच। तो ऐसा मेरा कुछ हाल है, जो हिंदी मीडियम से होता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, और अभी शुरुआत है तो थोड़ा बैकलॉग भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं 11th थोड़ा भी नहीं पढ़ा था। तो अभी बॉटनी और केमिस्ट्री का क्लास खत्म हो चुकी है। बॉटनी पढ़ाती है अर्चना राठी मैम, और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सुधांशु सर। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी ख़त्म हो चुका है, जो कि मेरा बैकलॉग हुआ है, और बॉटनी में द लिविंग वर्ल्ड चालू हुई है, जो मैं शुरू से ही क्लास कर रहा हूँ।
तो अभी मैं कम से कम 1 बजे तक पढ़ाई करूँगा, और मेरा तो बैकलॉग पूरा हो गया। घर जाने के बाद कम से कम 8-9 क्लास 8-9 लेक्चर सभी क्लास में हो गया, तो उसको मैं पूरा करूँगा। और होता है कि अभी जो स्टार्ट हुई है तो न्यू न्यू टर्म्स आता है, तो थोड़ा समझने में उसको दिक्कत होता है, उसका मीनिंग हर चीज़ देखना पड़ता है। और बैकलॉग होने के बाद इतना डिप्रेशन होता है फील, तो मन करता है छोड़ दूँ ऐसे, मतलब फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अब कुछ भी हो जाए आपसे बैकलॉग करने का प्रयास नहीं करूँगा, अभी शुरुआत थी तो थोड़ा बैकलॉग मेरा हो गया। तो अभी मैं बॉटनी में द लिविंग वर्ल्ड का 2 लेक्चर हुआ है, तो मैं उसको मैं रिवीजन कर लेता हूँ, और फिर मैं उसके बाद केमिस्ट्री में द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि मेरा बैकलॉग हुआ है, तो मैं उसको पूरा करूँगा। कम से कम 1 या 2 लेक्चर पूरा करूँगा, और मैं सोचूँगा कि अब बैकलॉग ना होने दूँ, क्योंकि दोस्तों अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत बैकलॉग हो जाती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है मुझे, और ऊपर से मैं हिंदी से मैं शिफ्ट हुआ हूँ इंग्लिश में, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुए होंगे तो आप लोग को पता होगा कितना बैकलॉग होता है और समझने में दिक्कत होता है। तो इसी तरह मेरा भी ऐसा ही हाल है, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, और थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है घर पे जाने के बाद, क्योंकि अकेला हूँ तो थोड़ा घर भी देखना पड़ता है। तो अब प्रयास करूँ कि घर ना जाऊँ और तैयारी पूरा चलती रहे अच्छे से। कभी कभी मुझे डर भी होता है कि मुझसे नीट होगा या नहीं होगा। यदि दोस्तों आप हिंदी मीडियम से हैं और आप भी शिफ्ट हुए हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आइए हम सब बातें करते हैं। और मैं भी यहाँ पे अकेला ही एक स्टूडेंट हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो थोड़ा लगता है कभी कभी घबराहट होती है कि मैं अकेला ही स्टूडेंट हूँ हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बांग्ला से शिफ्ट हुए हैं इंग्लिश में, जो गुजराती से शिफ्ट हुए हैं इंग्लिश में, और जो हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे कि भाई तेरा ये ऐसा हाल नहीं है, बहुत सारे का ऐसा ही हाल है। तो दोस्तों आप लोग भी घबराएं नहीं और पढ़ाई करते रहें, और हमें भी थोड़ा सा सजेस्ट करते रहें कि किस तरह मैं बैकलॉग सारा पूरा करूं। तो चलिए इसी के साथ आप लोग को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब देख रहे हैं ब्लॉग, तो अब ब्लॉग कंटिन्यू आएगी। बाय बाय।